फ्यूल ए की कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है क्लास वो है 20। आप एक टेबल बना सकते हैं, मैं अभी आपको सेंड करूंगा ये टेबल लास्ट में, एक टेबल बना सकते हैं। लेफ्ट में पार्टीशन में फ्यूल ए लिखिए, राइट में बी लिखिए। इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे फ्यूल बी की बात करूं बेटा तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलो जूल पर ग्राम, और उसका इग्निशन टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्यूल ए की बात करूं क्लास तो वो बर्न होता है तो CO2, SO2 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करता है। और फ्यूल बी को अगर बर्न करते हैं तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। तो क्लास अब आपको चूज करना है कौन सा फ्यूल बेटर है, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं क्लास तो बताइए ए बेटर है या बी। ए की कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम और बी की है 50 किलो जूल पर ग्राम, ए बेटर है। ठीक है, तो स्कोर हम 1-0 करते हैं, इसे गेम की तरह समझते हैं। लेफ्ट में ए है बेटा, राइट में बी है। इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो ए का इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बी का 80 डिग्री सेल्सियस है, किसे चूज करना चाहेंगे? ध्यान रखना ए जो है वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर के काफी करीब है। ऐसा फ्यूल आप घर पे स्टोर करना चाहोगे जिसमें अपने आप ही आग लग जाए? तो इसलिए फ्यूल बी बेटर है यहां पर इग्निशन टेम्परेचर की बात करें। स्कोर हो गया 1-1। अगर फ्यूल ए को बर्न करते हैं बेटा तो CO2, SO2 और SO3 ये गैसेस मिलती हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। वैसे तो दोनों में CO2 मिल रही है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसे केसेस में बेटा हम वो देखेंगे ना, एक्चुअली क्या होता है, जैसे CNG को एक क्लीनर फ्यूल क्यों मानते हैं, क्यों गवर्नमेंट CNG पे जोर देती है कि टैक्सीज में भी CNG है, दिल्ली में सारी बसेस में भी CNG, क्योंकि क्लीनर फ्यूल है। अगर बेटा ये बर्न होता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, जो CO2 माना ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर पॉल्यूशन इतना नहीं करती जैसा कि SO2 और SO3 करते हैं। तो आप बताइए कौन सा फ्यूल चूज करना चाहेंगे, ए या बी? अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो बी चूज करेंगे, क्योंकि बी जो है बेटा वो CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहा है, जो कहीं ज्यादा बेटर है। तो आप कौन सा फ्यूल चूज करना चाहेंगे क्लास, ए या बी? आई रिपीट, फ्यूल बी। तो फ्यूल बी 1-2 से जीत जाएगा, राइट? तो ध्यान रखना, हाँ हाँ मैंने माना, लेकिन सारे बेटा सारे फैक्टर हम देखेंगे ना, फिर हम उसे ऐसी जगह स्टोर करना चाहेंगे जहां पर टेम्परेचर 20 से काफी कम हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, लेकिन अगर आप सारे फैक्टर देखोगे तो बी का पलड़ा भारी है, तभी हमने बी को चूज किया है। तो क्लास दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज, माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और करेंगे, ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लखमीर में से कर सकते हैं प्रैक्टिस, ये आपकी आज की होमवर्क में एक्सरसाइज है। टुमारो आई डिस्कस, मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं क्लास ये वाले क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो, इसी वजह से मैंने पहले भी डिस्कस करी है इसकी एक दो एक्सरसाइज, तो आप देख लेना, अगर जिन बच्चों ने नहीं की प्लीज डू इट, राइट? ओके क्लास, इसके बाद बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज की और नॉन कन्वेंशनल। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ऐसे याद रखो, कन्वेंशनल यानी नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल, ठीक है? एंड आई होप सभी को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज अच्छे से क्लियर होंगे, राइट? तो डेफिनेशन सेज, हार्दिक रीड कीजिए डेफिनेशन, हार्दिक और कुशाग, एनीवन कैन रीड, डोंट वेस्ट टाइम, पढ़िए पढ़िए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच आर फैमिलियर टू मोस्ट ऑफ नॉर्थ पीपल आर कॉल्ड ऑफ एनर्जी। ऐसे ट्रेडिशनल सोर्सेस एनर्जी के बेटा जिनसे हम फैमिलियर है तथा बहुत सारे लोग फैमिलियर है, जैसे LPG वगैरह तो बेटा अभी आई हैं 20-25 साल इंडिया में। इससे पहले मुझे याद है इन माई होम व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, माई ग्रैंड मॉम शी यूज टू ब्रिंग डंग केक्स, राइट? और डंग केक्स पे ही खाना बनता था, चूल्हा होता था, एक अंगीठी होती थी और उसी पर ही डंग केक्स बर्न करते थे, वुड बर्न करते थे और उसी पर ही खाना बनाते थे, राइट? तो ये अभी ये LPG वगैरह ये ज़्यादा पुरानी नहीं है,
25-30 ईयर्स हुए हैं जो ये आई है, उससे पहले सबके सब वुड बर्न करते थे और डंग केक की हेल्प से हीट प्रोड्यूस करते थे, उसी पे यू नो पैन रख के खाना बनाते थे, राइट। तो याद रखना फॉसिल फ्यूल्स की बेटा बात करें, अ नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बेटा कैसे बने ये कहानी आप सबको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो प्लांट्स एंड एनिमल गॉट डिपॉजिटेड अंडर द अर्थ लेयर। ये कहानी सभी को पता है होप कि लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स जो थे बेटा दे गॉट डिपॉजिटेड अंडर द अर्थ लेयर। जैसे जैसे समय बढ़ा तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जितने भी प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और जितने भी एनिमल्स थे लिविंग बींग थे वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। और इसी से हमें क्या मिला हमें बेटा, इसी से हमें आज जो हम ये पेट्रोल और यू नो क्रूड ऑयल और इसके फायदे उठा पा रहे हैं वो इसी वजह से उठा पा रहे हैं। ठीक है क्लास। जय कॉल हार्दिक वंस इज नॉट देयर इन द क्लास। तो क्लास ये ध्यान रखना कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने थे, ये आप ध्यान रखना। अब आपको पता होना चाहिए क्लास, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सनलाइट की वजह से ही, इट वॉज द सनलाइट लॉन्ग एगो दैट मेड प्लांट्स ग्रो। ऑब्वियसली प्लांट तभी ग्रो कर रहे हैं, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग देम। अगर सनलाइट ही ना होती तो प्लांट्स ग्रो ही ना कर पाते क्लास, आप सभी को पता है ये बात। तो सन काफी रिस्पॉन्सिबल है। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, दे वर ओरिजिनली मेड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी। सोलर एनर्जी की हेल्प से ही वो बन पाए हैं। तो ध्यान रखना सन ही अल्टीमेट सोर्स है। कोल की बात करें क्लास, कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। कोल की बात करें, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। माई डियर स्टूडेंट्स, थोड़े थोड़े नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी कोल में प्रेजेंट होते हैं। कोल हमें कोल माइन से मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा। इससे हम बहुत चीज़ें बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, सिंथेटिक ऑयल पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है ना। तो और मैंने बताया सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल और 50 से 60 साल और, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, फिर कोल खत्म हो जाएगा, हम सारा कोल यू नो एनरिच कर सकेंगे। आप अपनी SST टीचर से पूछ सकते हैं कि इंडिया में कोल माइंस कहाँ कहाँ पर है, राइट। मार्क भी कर सकते हैं, आपने सीखा भी होगा। काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है अगर हम कोल को बर्न करते हैं, तभी वो इसे एक अच्छा फ्यूल बनाता है। अब 8th क्लास में आपने सीखा था कि कोल से हमें अलग अलग कंपाउंड्स भी मिलते हैं, जिसमें कोक करके एक कंपाउंड है। कोक में 98% कार्बन है बेटा। कोक बेटर फ्यूल है कोल की बजाय, क्योंकि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है देन एन इक्वल मास ऑफ कोल एंड इट डजेंट प्रोड्यूस स्मोक, और ये धुआं नहीं प्रोड्यूस करता। जबकि थर्मल पावर प्लांट की एक बिग डिसएडवांटेज यही है कि बेटा वो धुआं काफ़ी प्रोड्यूस करता है, उससे पॉल्यूशन काफ़ी होता है। अलंकृत, कैन यू प्लीज टेल मी द यूजेज ऑफ कोल। बी अ बिट लाउडर। तो क्लास ध्यान रखना कोल कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये घर और उसमें इंडस्ट्री में यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, कोक बनने देते हैं इससे। ये पीने वाली कोक नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोल का आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। कोल से काफ़ी सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, चारकोल कोक ये वाला कोक है। कोल गैस बनाने के काम में भी आता है, पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने के काम में भी आता है। पेट्रोलियम की बात करें क्लास, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे सॉलिड लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन होते हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं। क्रूड ऑयल ये तो गोल्ड है एक तरह से, गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑयल ज़्यादा मिलता है, आप सभी को पता है, तभी इतनी रिच हैं, राइट, क्रूड ऑयल सेल कर करके ही। बाकी फिर इंडिया में जैसे बेचते हैं तो रिलायंस वगैरह उसी को प्योरीफाई करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से,
आप लोगों ने पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, पैराफिन वैक्स ये मिलते हैं। उसमें क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है। क्लास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स अस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच आर यूज्ड एज अ फ्यूल, जैसा कि पेट्रोलियम गैस, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच आर यूज्ड एज अ फ्यूल जैसा कि पेट्रोलियम।